हे वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो ज़बरदस्त टॉपिक है सनानिम्स और एंटोनिम्स के बारे में है। तो आज मैं इसमें कुछ आपको मैं नई तरीके से कुछ बताने की हम लोग नई तरीके से कुछ सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक वर्ड जैसे मान लो दिया गया है, देखिएगा जरा, जैसे सामने एक वर्ड दिया गया है उसके सामने सनानिम भी है एंटोनिम भी है। तो मैं यहाँ पे सनानिम्स एंटोनिम्स उसमें मेंशन करूँगा जिससे कि आप लोगों को इस चीज़ को समझने में और अधिक सहूलियत रहेगी या आप लोगों को समझने में और अधिक मज़ा आएगा और साथ में मिलकर सीखने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये मेरा माय डियर फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल है मान लीजिएगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से अब समझ में आई या प्रीवियस वीडियोस में बेहतर तरीके से समझ में आई। प्लीज़ मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपका ही चैनल है, प्लीज़ इसको ग्रो करने में मदद कीजिए। तो अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त कर लेना, किसी चीज को पा लेना, प्राप्त कर लेने को हम क्या बोलते हैं? अटेन। अब इसका सनानिम क्या होगा? हाँ सोचे, देखो अटेन का सनानिम क्या हो जाएगा, हम गेट लिख सकते हैं, ठीक है। प्राप्त करने के लिए गेट हो जाएगा, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, गेट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। आप अचीव भी कर सकते हैं, अचीव मीन्स भी प्राप्त करना होता है, और गेन भी कर सकते हैं। तो गेट, अक्वायर, अचीव, गेन। गेट मीन्स भी प्राप्त करना, अक्वायर मीन्स भी प्राप्त करना है, ग्रहण करना होता है, अचीव मीन्स भी प्राप्त करना है, ग्रहण करना होता है, गेन मीन्स भी प्राप्त करना है, ग्रहण करना होता है। गेन का मतलब लाभ भी होता है। जी हाँ, सनानिम्स ढेर सारे वर्क करते हैं। अब इसके आगे हम एंटोनिम के बारे में अगर हम देखें तो इसका अटेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? खो देना। कोई चीज़ मतलब खो जाए, छोड़ जाए, तोड़ दें, छोड़ दें, मतलब तोड़ दें मतलब छोड़ दें उस चीज़ को। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे यहाँ पर, हम इसके लिए कर देंगे लीव। लीव मीन्स भी छोड़ देना होता है। फिर आप अगर चाहें तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं गिव अप लिख सकते हैं, आप फॉरसेक लिख सकते हैं। फॉरसेक मीन्स भी त्याग देना, छोड़ देना होता है। और चाहें तो आप इसकी जगह पर क्विट भी कर सकते हैं। क्विट मीन्स छोड़ देना या त्याग देना। आई होप ये बात बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के दिमाग में फिट हो चुकी है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा, अटेन मीन्स प्राप्त करना, गेट मीन्स प्राप्त करना, अचीव है, एक्वायर है, अचीव है, गेन है। एंटोनिम में चले आएंगे, विलोम शब्द में देखेंगे, लीव आ जाएगा, गिव अप आ जाएगा, फॉरसेक आ जाएगा, क्विट आ जाएगा। और भी बहुत से सनानिम्स एंटोनिम्स हैं, बट मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ ऐसे वर्ड्स पे जो कि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएं या जल्दी से आपकी मेमोरी में फिट हो जाएं और आपकी स्पीकिंग में भी काफ़ी वो सहूलियत आपको देंगे या आपकी काफ़ी वो मदद करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिए इंग्लिश विल के साथ। अब इसके बाद है एबहर। एबहर मीन्स होता है घृणा करना, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, मीन्स किसी चीज़ को नापसंद करना, या कह सकते हैं आप घृणा करना, घृणा करना कह सकते हैं, या किसी चीज़ से नापसंदगी होना। मतलब जैसे मान लो किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? एबहर मीन्स नापसंद है, घृणा करना। तो सभी लोग जानते हैं इसका सनानिम क्या हो जाएगा घृणा के लिए? हेट हो जाएगा। हेट मीन्स क्या होता है? हेट मीन्स भी घृणा करना होता है। आप यहाँ पे डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डिसलाइक कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो हेट मीन्स घृणा करना, तो क्या हो जाएगा? लव। लव मीन्स प्रेम करना। डिसलाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइक करना, ठीक है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को, ठीक है, अच्छी तरीके से बने रहिए। तो ये रहे हमारे जो है एबहर के सनानिम्स और एंटोनिम्स। एबहर मीन्स क्या होता है? घृणा करना, ठीक है, किसी चीज़ से नफरत करना। तो इसके लिए हम हेट कर देंगे, डिसलाइक कर देंगे, अपोजिट में लव कर देंगे, लाइक कर देंगे। अब देखिएगा जरा एक और चीज़ समझिएगा, मान लीजिए एक्वायर आ जाए और एक्वायर का एंटोनिम हमको लिखना है, तो हम इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अचीव का एंटोनिम कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। मान लो क्विट आ जाए और क्विट का एंटोनिम आपको लिखना है, तो क्या यूज़ कर दिया जाएगा? भाई हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत ही, तो क्विट मीन्स छोड़ना या त्याग देना। तो हम कोई भी गेट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। आई होप बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए हेट दिया गया है, हेट का हमको एंटोनिम
एंटोनिम लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, लव लिख देंगे, और अगर लव आ रहा है लव का एंटोनिम लिखना है तो क्या लिख देंगे, हेट लिख देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए लाइक का अपोजिट लिखना है तो चाहे डिसलाइक लिखें चाहे हेट लिखें, सेम प्रोसेस में आप कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एबहर आया तो एबहर का हमें एंटोनिम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लव लिख सकते हैं और लाइक लिख सकते हैं, और भी बहुत से हैं, बट यहाँ पे मैं इनके बारे में ही चर्चा करूँगा क्योंकि ये जल्दी से दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब इसके बाद अबेंडन, अबेंडन का मतलब भी होता है त्याग देना, ठीक है, त्याग देना। अब जरा देखिएगा एक प्यारी सी बात यहाँ पे समझिएगा, त्याग देना, त्याग देने के बारे में इसमें वर्ड्स आ चुके हैं। देखिएगा त्याग देना किधर है, ये सभी त्याग देने के लिए यूज किए गए थे, ठीक है, तो ये अब कहाँ पे यूज हो जाएंगे, सनानिम में यूज हो जाएंगे, क्योंकि भाई हम सनानिम यूज कर रहे हैं ना, तो त्याग देना छोड़ देना तो इसके लिए क्या हो जाएगा, छोड़ देना त्याग देना तो हो जाएगा लीव कर दें, गिव अप कर दें, ठीक है, और फॉरसेक कर दें, ठीक है, और चलो एक नई मीनिंग यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, एबडिकेट। एबडिकेट मीन्स भी होता है त्याग देना, एबडिकेट, एबडिकेट, एबडिकेट मीन्स क्या होता है, त्याग देना। अब हमें मान लो त्याग देने का अपोजिट वर्ड लिखना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक्सेप्ट कर लेना, एक्वायर करना, और बाकी तो आप लोग जानती हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, गेट हो जाएगा, गेन हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, तो ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे एंटोनिम्स में। त्याग देना, देखिए एक बात और सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर भी मैं कुछ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर आपको जो वर्ड दिया गया है और आपको उसका एंटोनिम लिखना है या आपको उसका सैनानिम लिखना है, सो प्लीज़ ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपको उसकी हिंदी आती है। अगर हिंदी आती है डेफिनेटली आप बहुत जल्दी उस चीज़ को कवर कर लेंगे, और अगर हिंदी नहीं आती है सो दिक्कत है, इसलिए अपनी वोकैब्स को बिल्ड करना शुरू कीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इतना ईजिली मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। और जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप लोग इसमें से ढेर सारे वर्ड्स हैं तो इनमें से कोई भी आप 20 वर्ड्स या 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई स्पीकिंग करना चाहता है, बोलना चाहता है, और मान लो उसको ये मीनिंग्स ही नहीं आती, तो नॉर्मल मीनिंग्स हैं, अगर ये भी नहीं आती तो कैसे उसका काम चल पाएगा। सो प्लीज़ कोई भी स्पीकिंग वाले हों उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जो लोग कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जो अकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस की जरूरत सभी को होती है, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि उसकी वो कैप से स्ट्रांग हो जाए, या उसका कह सकते हैं वर्ड पावर है वो और अधिक स्ट्रांग होता चला जाए, सभी लोग चाहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का होता है मुसीबत या परेशानी या कष्ट, समस्या, ठीक है, मुसीबत। तो मुसीबत के लिए सैनानिम, मुसीबत के लिए क्या हो जाएगा, कैलामिटी हो जाएगा, कैलामिटी, ठीक है, तो फर्स्ट ये वर्ड हुआ कैलामिटी, कैलामिटी मीन्स भी विपत्ति, मुसीबत, समस्या, मिसफॉर्च्यून, ठीक है, इसके अलावा चाहे तो आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, ठीक है, हार्डशिप्स भी लिख सकते हैं, आराम से आप लोग कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद मान लो इसका हमें एंटोनिम लिखना है, विपरीत लिखना है, तो मुसीबत के लिए अपोजिट में क्या हो, संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि पीस भी लिख सकते हैं, और चाहें तो हेल्प भी लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, मुसीबत, समस्या, कष्ट, परेशानी, बाधा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैलामिटी, मिसफॉर्च्यून आपका इसमें हो जाएगा सैनानिम में। ये भाई इसके क्या है, ये इसके पर्यायवाची हैं, और इसके विपरीत शब्द कौन कौन से हैं, प्रॉस्पेरिटी है, फॉर्च्यून है, देखो मिसफॉर्च्यून का अपोजिट क्या है, फॉर्च्यून, पीस है, हेल्प है, और भी ढेर सारे हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आ चुका है। कुछ और वर्ड्स हैं वो भी अपनी डिक्शनरी में या आप कह सकते हैं अपनी निजी वोकैब पावर में ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को स्वीकृति देना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एक्नॉलेज के लिए लिखेंगे स्वीकार करना,
स्वीकार कर लेना या किसी चीज को स्वीकृति दे देना, हामी भर देना। अब इसके लिए अगर हम बात करें सनानिम की तो हम क्या कर सकते, स्वीकार करने के लिए हम क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट लिख देंगे। भाई एक्सेप्ट मीन्स भी स्वीकार करना होता है ना, एक्सेप्ट मीन्स भी स्वीकार करना होता है। एडमिट लिख देंगे, एडमिट मीन्स भी स्वीकार करना होता है। और इसके बाद हम एक और वर्ड यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, कन्फेस। कन्फेस मीन्स भी होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो कन्फेस स्पेशली दोष वगैरह कोई स्वीकार करने के लिए आता है, बट स्वीकार करने के सिनोनिम में खूब यूज होता है। तो एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एडमिट हो जाएगा, कन्फेस। तो ये तो हो गए सिनोनिम्स, पर्यायवाची हो गए। अब इनके हम विपरीत की बात करें, भाई स्वीकार करने का विपरीत क्या होगा, इनकार कर देना, मना कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा डिनाई, ठीक है, रिजेक्ट, और आप इसमें एक और लिख सकते हैं रिफ्यूज, ठीक है। तो डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, डिनाई एंटोनिम में खूब यूज होता है, रिजेक्ट भी खूब यूज होता है, रिफ्यूज भी खूब यूज होता है। तो जो ज्यादातर यूज होते हैं और जल्दी से आप लोगों के पढ़े हुए वर्ड्स हैं, जल्दी से आपके दिमाग में फिट हो जाएं, दैट्स व्हाई मैं यहां पे काफी लाइट वर्ड्स आपके सामने में लाकर रख रहा हूं। प्लीज अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है, मेरी मेहनत को जरूर सफल बनाइएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिलीफ। बिलीफ मीन्स क्या होता है, विश्वास करना, ठीक है, किसी चीज पर विश्वास करना, ट्रस्ट करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, भाई विश्वास करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्रस्ट करना, ठीक है। विश्वास करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्रस्ट करना, फैथ लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इसके बाद एक और वर्ड है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी लिख सकते हैं, ट्रस्ट, फैथ, कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। तो बिलीव का ट्रस्ट हो गया सिनोनिम, बिलीव मीन्स विश्वास करना, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, फैथ मीन्स भरोसा या विश्वास, कॉन्फिडेंस विश्वास, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट में विश्वास करने का क्या हो जाएगा, भाई विश्वास ना करना, संदेह करना, तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, डाउट लिख देंगे। फिर इसके बाद आप बिलीव का ही डिसबिलीव कर सकते हैं, डिसबिलीव कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिसएग्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिसएग्रीमेंट मीन्स किसी चीज से समझौता ना करना, किसी चीज पे विश्वास ना करना। तो बिलीव का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएंगे ट्रस्ट, फैथ, कॉन्फिडेंस, एंटोनिम हो जाएंगे डाउट, डिसबिलीव, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट वर्ड है हमारा एंगर, क्रोध, गुस्सा, ठीक है। तो क्रोध, क्रोध या गुस्से के लिए हम क्या यूज करेंगे, भाई सिनोनिम में क्या हो जाएंगे, गुस्सा, क्रोध, खीज, तो ये हो जाएगा फ्यूरी, फ्यूरी, रेज, रैथ, ठीक है, फ्यूरी, रेज, आर ए जी ई, रैथ, डब्ल्यू आर ए टी एच। तो ये तो हो गए हमारे सिनोनिम गुस्से के लिए, फ्यूरी मीन्स भी क्रोधित होना, गुस्सा करना, रेज मीन्स भी गुस्सा करना, रैथ मीन्स भी गुस्सा करना, क्रोधित हो जाना। अब इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, आनंदित होना, किसी से खुश होना, किसी पर प्रसन्न हो जाना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिलाइट, डी ई एल आई जी एस टी। आप इसमें प्लेजर यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लेजर यूज कर सकते हैं, प्लेजर मीन्स भी आनंदित होना, खुश होना, प्रसन्न होना हो जाएगा। आप चाहें तो कामनेस यूज कर सकते हैं, इसको कालमनेस मत पड़ेगा, कामनेस, एल साइलेंट है, तो कामनेस, सी ए एल एम एन ई डबल एस, कामनेस आप यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो पेशेंस भी यूज कर सकते हैं, पी ए टी आई ई एन सी ई। तो ये हैं हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आप जाहिर सी बात है इंग्लिश विल से जुड़े हुए हैं, तो इंग्लिश विल की यही कोशिश रहेगी, आपके सुबोध सर की यही कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको आसान से आसान शब्दों में प्रोवाइड करवाऊँ, ये यही मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए चलते हैं, लेकिन हाँ इससे पहले जिन्होंने भी शुरुआत से आखिर तक का वीडियो पूरा देखा हुआ है उनको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।